तो हेलो फ्रेंड्स, गजन ऑटो सर्विस एंड पार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आप सबका। और आज हमारे पास टीवीएस जुपिटर गाड़ी आई है सर्विसिंग के लिए दोस्तों। तो एक्चुअली मैं दोस्तों ये गाड़ी सर्विसिंग कर देता, लेकिन मैंने सोचा कि ज़्यादातर भाइयों को नहीं पता होगा कि जुपिटर के अंदर भी एक सेकेंडरी एयर फिल्टर दिया गया होता है, जैसे कि हमारे एक्टिवा में दिया गया होता है बिस्किट फिल्टर जिसे हम बोलते हैं। तो दोस्तों वो एयर सक्शन वाल्व के अंदर रहता है, और एयर सक्शन वाल्व ज़्यादातर मैकेनिक भाई कोई कभी चेक नहीं करता, क्योंकि किसी ने अभी तक सोचा भी नहीं होगा कि वहाँ पे भी फिल्टर आ सकता है। तो स्पेशली दोस्तों इसी टॉपिक पे मैं चर्चा करने वाला हूँ, और हमारे वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा एयर सक्शन वाल्व क्या होता है और कैसे काम करता है, इससे क्या फ़ायदे हैं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। और जो भी भाई अभी नए चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि अभी रेगुलरली वीडियो आने वाले हैं हमारे चैनल पे। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एयर फिल्टर है, जो एयर फिल्टर टोटली ब्लॉक हो चुका है, और जो कार्बोरेटर के अंदर से जो इंजन के अंदर हवा जानी चाहिए, एयर जानी चाहिए, वो ठीक से नहीं जा पाती। तो दोस्तों ये गाड़ी हमारे पास सर्विसिंग के लिए आई थी, और हमने सर्विस के दौरान इसको जैसे हम मैंने इसका एयर एयर फिल्टर निकाला, तभी मुझे पता चल गया कि मैं आपके लिए एयर सक्शन वाल्व वाला वीडियो बना दूं, क्योंकि हर सर्विस के दौरान दोस्तों हमें ये एयर सक्शन वाल्व का फिल्टर भी साथ ही में चेक करना पड़ता है। तो दोस्तों इसको खोलना कैसे, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं वायरिंग के पीछे की साइड एक 10 नंबर का बोल्ट दिया गया था है, 10 नंबर की गोटी से इसको हम खोल देंगे। और दोस्तों ये जो एयर सक्शन वाल्व का फिल्टर है, वो आपने देखा होगा कि एक्टिवा के अंदर भी आता है, और एक काम कैसे करता है, तो दोस्तों ये पॉल्यूशन कंट्रोल का काम करता है एयर सक्शन। तो दोस्तों इसको शॉर्ट फॉर्म में AIS वाल्व भी बोला जाता है, एयर इंजेक्ट सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ज्यादातर इसको एयर सक्शन वाल्व से जानते हैं, और एयर सक्शन वाल्व दोस्तों ज्यादातर सभी गाड़ियों में आता था। पहले जो दोस्तों टू स्ट्रोक गाड़ियां चलती थी, उसके बाद दोस्तों फोर स्ट्रोक गाड़ी निकली, और फोर स्ट्रोक के अंदर जो सबसे पहले मॉडल थे उसके अंदर नहीं आया था। उसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल रिलीज हुए 2004 के बाद का, दोस्तों जो जितने भी मॉडल हुए शायद उन सबके अंदर एयर सक्शन वाल्व दिया गया था। और अभी हाल ही के अंदर दोस्तों नया फीचर्स आ गया है, सब में कैटालिक कन्वर्टर दिया गया है, और अभी जो नया मॉडल आया है दोस्तों BS6, उनमें तो सिस्टम निकाल दिया, क्योंकि BS6 जो दोस्तों रहता है वो टोटली पोल्यूशन कंट्रोल रहता है, जिसके अंदर जो इंजन में जितना पेट्रोल जाना चाहिए उतना ही जाने देता है, टोटली इश्यू पे डिपेंड करता है, तो पूरा सेंस करके आगे काम करता है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं अभी एयर सक्शन वाल्व की। तो एयर सक्शन वाल्व खोलने के लिए दोस्तों आपको दो पाइप निकालनी पड़ती है, और एक 10 नंबर का बोल्ट निकालना पड़ता है। तो 10 नंबर का बोल्ट मैंने जो आपको पहले बता दिया है, और जो दोस्तों ये पाइप जो हमने निकाली वो सीधी इंजन के हेड के अंदर जाती है, और ये जो दोस्तों रहती है ऊपर के एक्टिव कार्बोरेटर के मैनिफोल्ड के आगे जाती है। ठीक है, तो ऐसे हमारा जो दोस्तों एयर सक्शन वाल है वो बाहर निकल चुका है, और एयर सक्शन वाल के अंदर दोस्तों तो एक तरह से हवा अंदर जाती है, मतलब वो वन साइड वाल बोलते हैं इसको दोस्तों। ठीक है, वन साइड वाल कैसे काम करता है, तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जो कोई भी स्प्लेंडर या पैशन कोई गाड़ी होगी जिसके अंदर एयर सक्शन वाल दिया गया हो, उसको मैं खोल के आपको चेक करके दिखाऊंगा कैसे एयर सक्शन वाल काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें होता क्या है, तो जो इंजन से हमारा कंबशन में जो गैस बाहर निकलता है, उसमें से कुछ गैस होता है दोस्तों वो बहुत ही हार्मफुल गैस रहता है, जैसे कि कार्बन मोनोक्साइड। तो दोस्तों कार्बन मोनोक्साइड जो गैस रहता है वो बहुत ही हार्मफुल रहता है हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, मतलब एटमोस्फियर के लिए, तो वो पॉल्यूशन ज्यादा करता है। तो ये एयर सक्शन वाल्व इसीलिए दिया गया होता है कि इसके कारण दोस्तों जो हमारा ऑक्सीजन रहता है वो सीधा कार्बन मोनोक्साइड के साथ मिक्स मिक्स होके, और आगे वापस से जो हमारा इनलेट मैनिफोल्ड रहता है वहां से बिल्कुल अंदर जाए। ठीक है, तो एयर सक्शन वाल्व को क्लीन करने के लिए दोस्तों आपको 3 बोल्ट खोलने पड़ेंगे, जो ये रहे। ठीक है दोस्तों, दो बड़े और एक छोटा है। तो एयर सक्शन वाल्व जैसे खोलोगे तो अंदर एक जाली आती है इस तरह की दोस्तों। ठीक है, जाली ऑलरेडी अंदर अटक चुकी है, लॉक वहां से निकल चुका है, लेकिन हम जाली को पहले बाहर निकालेंगे, और जाली को बाहर निकाल के उसके पीछे दोस्तों आप देख सकते हैं एक डल्लब दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से ये लॉक निकल गया था, और पीछे की साइड एक डल्लब दिया गया है, और डल्लब को दोस्तों हमें बाहर निकालना है, क्योंकि वही फिल्टर रहता है। ठीक है, और वो फिल्टर इतना खराब होगा दोस्तों, जैसे हमने मेन जो मेन एयर फिल्टर है कार्बोरेटर का,
वो निकाला, इतना पोजीशन खराब था, तो एयर सक्शन वाल्व का जो फिल्टर रहता है वो कितनी बुरी हालत होगी। ठीक है गाइस, तो ये हमारा एयर फिल्टर, और आप देख सकते हैं एयर फिल्टर की कितनी बुरी हालत हो चुकी है। तो दोस्तों मैं इसीलिए बोलता हूँ कि 90% मैकेनिक को नहीं पता होता कि एयर सक्शन वाल्व का अंदर एक फिल्टर दिया गया होता है, और स्पेशली दोस्तों जुपिटर में, क्योंकि एक्टिवा के अंदर तो ज्यादातर सबको पता होगा एक सेकेंडरी फिल्टर दिया गया है, लेकिन जुपिटर के अंदर ज्यादातर भाइयों को नहीं पता होता। और अपने अगर आपके पास अगर फ्यूचर में अभी तक मतलब कोई प्रॉब्लम आ चुका हो तो पता नहीं, क्योंकि एयर सक्शन वाल्व जब खराब हो जाता है वन साइड वाल्व, तो प्रॉब्लम क्या आती है, तो गाड़ी में जब हम प्लग छीक लगाते हैं, प्लग खराब हो जाता है और जैसे छीक मारता है उसी तरह का प्रॉब्लम आता है दोस्तों, जब एयर सक्शन वाल्व बार बार मतलब आपकी गाड़ी बार बार छीक ले रही है। ठीक है दोस्तों, तो उस टाइम समझ लेना कि आपकी एयर सक्शन वाल्व जो रहता है वो खराब हो चुका है। तो अब सब हमने जो एयर सक्शन वाल्व का जो फिल्टर और जाली सब क्लीन कर लिए है अच्छे से, और वापस से हम इसका फिटिंग शुरू करेंगे। और पहले की हालत आपने देखी होगी दोस्तों किस तरह की इसकी हालत थी, और ये लॉक हमने वापस से जाली पे बिठा दिया है। अभी फटाफट से इसका फिटिंग शुरू करेंगे। और दोस्तों ये एयर सक्शन जो वाल्व रहता है वो इसका मेन काम ही यही है कि दोस्तों पोल्यूशन कंट्रोल करना है। अगर आप अच्छे से इसको क्लीन नहीं करोगे तो ये काम नहीं करेगा, और एयर सक्शन वाल्व जो होता है वो खराब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, अगर एक बार खराब होगा दोस्तों तो ये फिर रिपेयर करना चाहोगे तो फिर भी रिपेयर नहीं होगा अच्छे से। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। और इस तरह से इसका लॉक बैठता है, जो जैसे जब पहली बार मतलब हमने खोला था उस टाइम में ये निकल चुका था, तो यहाँ पे ये चीज बैठती है, और जो पीछे दिए गए होता है वो एयर सक्शन वाल्व रहता है। ठीक है, तो दोस्तों जब भी आप सर्विसिंग के लिए आए आपके पास जुपिटर, तो इसका एयर सक्शन वाल्व है वो अच्छे से क्लीन कीजिए, क्योंकि ये दोस्तों जो हमारे एटमोस्फियर के अंदर कार्बन मोनोक्साइड को कम करने का, और वही दोस्तों कार्बन मोनोक्साइड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, उसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड करेंगे और पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे, इसलिए एयर सक्शन वाल्व दिया गया था। बाद में दोस्तों जो BS4 आई उसके अंदर कैटालिक कन्वर्टर दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि कई भाइयों को ऐसा ही लगेगा कि ये कैटालिक कन्वर्टर लेकिन दोस्तों ये एयर सक्शन वाल्व है। ठीक है, और छोटी छोटी चीजों पे दोस्तों हम हमारे चैनल पे वीडियो बनाते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल पे करीबन 100 से ऊपर वीडियो हो गए, करीबन 120 या 130 के आसपास ऑलरेडी वीडियो मैंने डाल दिए है। तो दोस्तों मोटरसाइकिल के रिलेटेड सारे, इंजन के रिलेटेड, वायरिंग के रिलेटेड सारी जानकारी मैं अपनी चैनल पे देता रहता हूँ। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों जिससे आप देख रहे हैं कि वीडियो बनाना ईजी है, दोस्तों वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल रहता है, क्योंकि अपना कीमती समय दे के हम थोड़ा सा टाइम निकाल के आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो बनाते हैं, और उसमें भी आप दोस्तों लाइक और शेयर ना करें अपने दोस्तों के साथ तो कैसे चलेगा दोस्तों। तो प्लीज प्लीज मैं चाहता हूँ कि हमारे चैनल को और ग्रोथ मिले, आप सबका प्यार मिले, तो मैं और इससे अच्छा और इससे अच्छे बेहतरीन टॉपिक पे वीडियो बना सकूँ आपके लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो दोस्तों दिख रही है आपको, ये साइलेंसर की तरफ, और ऊपर वाली जो रहती है वो मैनिफोल्ड की तरफ पतली वाली। ठीक है दोस्तों, दोनों पाइप यहाँ पे लगती है। और तो गाइस अभी फटाफट से इसको वापस से फिटिंग करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसको फिटिंग करते वक्त पहले हमें जो दोस्तों इनलेट मैनिफोल्ड की जो पाइप रहती है ये वाली पतली वाली दोस्तों, ये इसको वापस से यहाँ पे उसकी जगह पे ठीक तरह से बिठा देना है। और नीचे की तरफ दोस्तों एक साइलेंसर के अंदर जो हमारे हेड के अंदर जो पाइप जाती है उसको बिठाना है। ठीक है गाइस, तो जो कार्बन मोनोक्साइड जो आता है वो एयर के थ्रू वापस से हमारे इनलेट मैनिफोल्ड में जाता है, और इनलेट मैनिफोल्ड में दोस्तों कार्बन मोनोक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड के दोस्तों ऑक्सीजन जाएगा, तो वो गैस थोड़ा कम हो जाएगा, उसके कारण दोस्तों पोल्यूशन में कंट्रोल रहेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने 2004 के बाद में दोस्तों जितने भी मॉडल बनाए उन सब में यही दिया गया था एयर सक्शन वाल्व। ठीक है, तो ये हेड के अंदर जाती है जो मैंने नीचे वाली पाइप बताई वो। तो इसी तरह से दोस्तों हम हमारे चैनल पे वीडियो बनाते हैं, वीडियो अच्छा लगाओ चैनल को सपोर्ट कीजिए दोस्तों। और आपको इससे एयर सक्शन वाल्व के बारे में और डीप जानकारी चाहिए तो हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। तो फटाफट से ये वीडियो की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।